आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम, बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैं बताता हूँ तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हमारी सगाई यहाँ के बजाय खंडाला वाले बंगले पर करें तो? ठीक है, अगर इसमें तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अभी 3 दिन पहले मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की है, मेरे हॉस्पिटल ज्वाइन करते ही आप छुट्टी पर चले गए। पता है रश्मि मेरे साथ मजाक कर रही थी, उसे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जिससे उसकी जान को खतरा हो। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है पापा, उसकी किसी और के साथ मंगनी हो रही है। ओके, ये सुना तुमने? ये लड़का जिस लड़की से प्यार करता है उसकी अगले हफ्ते किसी और लड़के से मंगनी होने वाली है, और फिर भी ये है कि खुशी का हमारा उछल रहा है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। क्या पापा, आप भी? अमर भैया सचमुच रश्मि से प्यार करते हैं। एक काम करते हैं, उसी से चल के पूछ लेते हैं। ये हाँ दिख रहा, नेक काम में देरी किस बात की, चलो चलो फैसला कर लेते हैं। मामा कंस की सोगन बेन, ये भांजाएन होशियार है, पढ़ा लिखा भी है, डॉक्टर भी है और जिद्दी भी, समझ रही है ना? इसीलिए बोलता हूँ चट मंगनी पट शादी कर दे उसकी, नहीं तो क्या है, मेरे को डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस मुंह से पान चबाया उस मुंह से कोयले चबाने पड़े। ओफो, देखा तुमने, अगले हफ्ते तो रश्मि की मंगनी होने वाली है और ये अपना वीर फॉरेन वाला उसके साथ शादी करने के सपने देख रहा है। सिर्फ सपने नहीं देख रहा पापा, शादी करके दिखाऊंगा। ओफो, वो तो तुम जब करोगे तब हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताओ, जबकि तुम जानते हो कि उस लड़की की मंगनी अगले हफ्ते किसी और से होने वाली है, तुम क्यों इस तरह से उछल कूद रहे हो? क्योंकि पापा, रश्मि की मंगनी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। क्या, उसकी मर्जी के खिलाफ? हाँ दीदी। ये आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? अब देखो ना, मैं उसे एक हफ्ते से दिन में 2 बार मिलता, उसे परेशान करता हूँ। अगर वो चाहती तो पुलिस कंप्लेन कर सकती थी या मुझे जेल भी भिजवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब वो भी तो मुझे चाहती है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं तुम्हारी बात को, तो फिर वो लड़की किसी और से मंगनी क्यों कर रही है? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, या उसके मम्मी पापा उसे जबरदस्ती कर रहे हो। रश्मि, तुम मंगनी यहाँ करने के बजाय वहाँ क्यों करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि सगाई वाले दिन रजत सिर्फ मेरे साथ रहे। अगर हमने सगाई यहाँ कर दी तो हो सकता है कि रजत कभी भी हॉस्पिटल चला जाए। यहाँ तक कि मुझे यकीन है अगर सगाई के बीच में उसका फोन आ गया तो वो अंगूठी पहनाए बिना ही चला जाएगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ, इसका मतलब ये है रश्मि बेटा कि तुम डरती हो कहीं रजत तुम्हें छोड़कर ना चला जाए, है ना? तुम्हें अब रजत पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, है ना? भरोसे की बात तो बहुत दूर है पापा, आज तक रजत ने कभी एक बार भी इत्मीनान से बात नहीं की मुझसे। बेटे, एक बात पूछूं तुमसे, इस रिश्ते से तुम खुश तो हो ना?
कैसी बातें कर रहे हैं आप? रश्मि इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश है, है ना रश्मि? मुझे देरी हो रही है, मैं कंप्यूटर क्लास होकर आती हूँ। कंस की सोगन, एक घंटे से आप इसमें देख रहे पंडित जी, अब तो बताओ क्या लिखा है इसमें? मैं क्या बताऊं, मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया हूं, इसमें शादी का योग ही नहीं है। ये भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे बेटे की कुंडली में शादी का योग ही नहीं, मतलब मेरा बेटा राजीवन कुंवारा रहेगा? आपका बेटा? हाँ, जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं। माफ करना देवी जी, मैं तो इनकी कुंडली देख रहा था। क्या रजनी, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तेरा भांजा शादी की उम्र का हो चला है और तुझे अपनी शादी की चिंता है? अरे शादी करनी थी तो आज तक कुमारा क्यों बैठा? नहीं, नहीं, मैं क्या बोला कि बैठा है तो चुप, एकदम चुप। चला वो कुंडली दे, दे। राम 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 राम, इसमें तो शनि की 7:30 शुरू हो गई है। बेटे को काफी संभालना होगा आपको, उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव बिल्कुल मत करना जिससे उसकी जिद पूरा होने का कारण बन जाए। अब आपको क्या बताऊं महाराज, मेरा बेटा एक लड़की से प्यार करता है, मगर मैं नहीं चाहती कि वो उस लड़की से शादी करे। लेकिन इसमें तो शादी का योग भी है, शनि की 7:30 भी चल रही है, तो अब अगर उसने शादी करने की ठान ली है तो वो शादी करके ही रहेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं चलता हूँ। तो मैं जाऊं? बेन, वो जाऊं जाऊं नहीं बोलता है, दक्षिणा मांगता है। कौवा है ना, कौवे को तो व्यवहार से काला रहना ही पड़ता है। 251 रुपया, 1 रुपया है मेरे पास में, 250। 200। 50। ये लो। 150। अरे डोबा, 150 दिया, बहुत दिया तुमको। हम तो है ना ये अपना कुंडली दिखाने का पैसा लेता है, समझा? जाओ, जो मिला सो ठीक है। जय श्री कृष्ण। रजनी, अमर की कुंडली में 7:30 का योग अभी आना था, अगर उसने उस लड़के से शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूं कि नहीं बात करती है। मामा कंस की सोगन, ये सारा झमेला कुंडली को लेकर है ना, मैं कुंडली घुमा दूंगा। शोभा तुम्हारे लिए, अनु तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। अच्छा ये सब काज मैं फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं दे रही हूँ, तुम सबको सचमुच में सगाई पर आना। ओके, आना है यार, हमने तो सारा इंतजाम कर रखा है। क्यों दोस्तों, थैंक यू सो मच। मेरे लिए? तुम यहाँ भी आ गए? हाँ, तुम मुझे इनविटेशन कार्ड देना भूल ना जाओ, इसलिए मैं खुद चला आया। फिर अगर तुम ये कह दो कि कार्ड खत्म हो गया तो देखो तुम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सुनो अमर, अमर सुनो, तुम मेरी सगाई पर नहीं आओगे। जो झूठ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था उसे कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि तुम 6 महीने में मरने वाली हो। तुम्हें क्या लगा कि यह सुनकर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा? लेकिन एक चीज बता दूं तुम्हें, प्यार करने वाले सिर्फ दिल देखते हैं, घड़ी या कैलेंडर नहीं। वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे। पीछे तो अब भी पड़ा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी सगाई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है। ये तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी सगाई को लेकर खुश नहीं हूं और ये कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? ये मैंने तो नहीं कहा,
ये तो अभी अभी तुमने कहा। देखो बहुत हो चुका। यू गुस्सा होकर तुम सच को झुठला नहीं सकती, और सच तो यह है कि तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रहोगी। वैसे सगाई में अभी 7 दिन बाकी है और फैसला तुम्हारे हाथ में। एनीवे, इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मधु बेटे, ये क्या कर रही हो? चाय का मसाला बना रही हूँ। लेकिन हम लोग कहाँ चाय में मसाला डालते हैं, वो तो गुजराती लोग डालते हैं। ऐसा जरूरी है क्या कि जो चीजें गुजराती लोग करते हैं वो चीजें मराठी लोगों को नहीं करनी चाहिए? नहीं बेटे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि एक मराठी लड़की पूरणपोली जितनी स्वादिष्ट बनाती है उतनी गुजराती लड़की नहीं बना सकती। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथों की बनी गुजराती रेसिपीज कोई चक्कर तो बताए, ये मराठी लड़की ने बनाई है। अरे तेरी तो बात ही और है बेटे। और क्या, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। लो, तुम्हारी बेटी कब से हो गई? बस बस, आप इन हमेशा मजाक करते रहते। अरे हाँ, वो स्मृति सदन वाले पेड़नेकर की बेटी है ना, उसके बारे में पता चला कुछ? वो साधना का वंदना ना? हाँ, वो कहते हैं कि किसी अन्ना के साथ भाग गई। ये अन्ना कौन है? बाबा, अन्ना का मतलब साउथ इंडियन लड़का। हाँ हाँ हाँ, वही, उसके साथ मंदिर में जाके शादी भी कर ली उसने। बेचारा पेड़नेकर, छे, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। कितना भला आदमी है, और बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से। ऐसी ऐसी लड़की को तो गोली छोड़ा देना चाहिए। आजकल की लड़कियां प्यार करती है, माँ बाप के बारे में जरा भी नहीं सोचती। अरे हमारी मधु है, है? देखो उसे, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड 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 गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा सर, आपको वहां आना भी पड़ेगा। वो सब छोड़ो, तुम इनवाइट करने के लिए यहाँ क्यों आ गए? फोन पे इनवाइट कर लिया होता। इसके दो रीजंस थे सर, एक तो मैं पर्सनली इनवाइट करना चाहता था, और दूसरा थोड़ा सा काम भी था। भैया, अब आपकी मंगनी होने वाली है, अब काम छोड़ो ताकि दूसरों को भी चांस मिले। सर, काम ही तो है जिसे नहीं छोड़ सकता। और हाँ सर, दूसरों से याद आया, ये जो नया बैच आया डॉक्टर्स का, वो कैसा है? ठीक ही है, एक लड़का है डॉक्टर अमर, ही इज ब्राइट, स्पार्क है उसमें, बहुत कुछ कर सकता है। खंडाला से आकर उससे जरूर मिलूंगा। श्योर, मिल लेना। अभी मैं चलता हूँ सर, कुछ रिसर्च के पेपर्स भी कलेक्ट कर। गो अहेड, बाय। थैंक्स सर। कमिंग सर। हाँ कहिए डॉक्टर अमर, कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? सर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? तो 2-3 दिन पहले ही तो आपने ज्वाइन किया है। अच्छा ये बताइए, आपको छुट्टी क्यों चाहिए? एक जरूरी काम आ गया, तो मेरा कहीं जाना बहुत जरूरी है सर। डॉक्टर अमर, जैसे धनुर्धारी अर्जुन का फोकस मछली की आंख थी, वैसे आपका फोकस पेशेंट्स होने चाहिए। आई नो सर, लेकिन अगर इस बार नहीं गया तो वैसे ही काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। फोकस? कहीं ये प्यार का मामला तो नहीं है? अब जी सर, ऐसी कुछ बात है। कहाँ जाना, कहाँ है आपको? एक दोस्त की मंगनी में। अमर, को दोस्त की मंगनी के लिए छुट्टी चाहिए, 2-3 दिन, अभी अभी आपने ज्वाइन किया है। प्लीज सर। ठीक है, आपकी छुट्टी सैंक्शन।
रियली? रियली, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी सर। लौटने पर आपको अपनी सारी प्रेम कहानी मुझे बतानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स सर, आपने तो मेरा टेंशन ही दूर कर दिया सर। ये लो चिंटू। चिंटू प्लीज जल्दी खाओ ना, टाइम देखा है तुमने, मुझे कॉलेज भी जाना है। मैं नहीं खाऊंगा, क्या कर लोगे आप? ठहर, मैं तुझे बताती हूँ। दीदी, अंजू दीदी, जाओ बुलाओ, मुझे भी उनसे बात करनी है। क्या हुआ रोहन, खाना क्यों नहीं खा रहा? मम्मी मम्मी, अमर मामा को प्यार हो गया है, अब तो बची सिर्फ आरती मौसी। मेरे बारे में कुछ कहा ना तो देखना, मैं पूरा प्लेट तेरे सिर पर मारूंगी, स्टुपिड कहीं का। आरती मौसी की बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मेरी क्या बात होगी, एक तो बॉय स्कूल में डाला है, मुझे स्कूल चेंज करनी है और मुझे गर्ल स्कूल में पढ़ना है। अच्छा ठीक है ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है। मुझे मालूम था तुम ऐसे ही करने वाली हो। अच्छा बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? हाँ तो शर्त ये है कि तुम इस बार अपनी क्लास में फर्स्ट आओगे, तभी मैं तुम्हें गर्ल्स स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगी। सारी गर्ल्स एंड ओनली चिंटू फर्स्ट सभी क्लास में। लगता है मुझे लड़की का मामला छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ो ही मत, बल्कि एकदम भूल जाओ और चुपचाप खाना खाओ। हुँ? खाना खाओ। कौन है बेटे? कुरियर वाला। ठीक है, साइन करके लेटर ले लो। किसका लेटर है? भैया का है। हाँ? बिलिंद के लिए? देखो जरा। नहीं, भैया ने मना किया है कि उनके लेटर को कोई नहीं छुएगा। किया था मिलिंद को मैंने कि ड्रामे में एक्टिंग करना छोड़ दो, फिर ये थिएटर एकेडमी के लेटर उसे क्यों आते हैं? बाबा, भैया को थिएटर और सिनेमा का बहुत शौक है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन जब से आपने उन्हें मना किया है वो रिहर्सल्स के लिए भी नहीं जाते। सच में? और फिर ये खत? वो इस थिएटर एकेडमी के मेंबर थे ना, तो खत तो आएंगे ही। बाबा आपसे एक बात पूछूं? आप भैया के एक्टिंग करियर के खिलाफ क्यों हैं? कम से कम भैया को ये एक शौक पालने देते। मैं खिलाफ हूं क्योंकि वो काम काज छोड़कर दिन भर ड्रामे के रिहर्सल्स करता रहता है, जो मुझे मंजूर नहीं है। मिडिल क्लास वालों को कोई शौक पालने का हक नहीं है, क्योंकि हमें भविष्य की चिंताएं पालनी होती। जी तुम बेटे, और ये बात अपने अपने नालायक भाई को भी समझा दे, पता नहीं कहां होगा इस वक्त। मेरे बाबा से बात करना है यार, खंडाला जाने के लिए। देखो मिलिंद, मैं तुम्हारे पापा से बात नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है यार। और वैसे भी क्या हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग खंडाला जाके करेंगे क्या? भाई और कुछ करे ना करे, लेकिन तेरे पापा का हाथ जरूर बढ़ा देंगे। एक मिनट, देखो वहां जाके तुम्हारी दाल गले या ना गले, लेकिन मैं इस केटरिंग के बिजनेस में पढ़ना नहीं वाला, नहीं तो मुझे जिंदगी भर पूड़ियां सेकनी पड़ेंगी। पैडी, पूड़ियां सेकी नहीं जाती हैं, तली जाती हैं। हाँ हाँ, जो भी हो, सेको या तलो। देखो अगर मैंने एक बार अपने पिताश्री की मदद की ना, तो फिर मुझे जिंदगी भर ये पूड़ी भाजी का बिजनेस करना पड़ेगा, और वो मैं नहीं करूंगा, तो इसलिए हम लोग खंडाला नहीं जा रहे।
ठीक है यार, ठीक है। पैडी, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? फाइन है, इतनी दोस्ती है तेरी, इट्स फाइन है। यार ये ना बहुत गलत बात है यार, तू हमेशा मुझे इसी तरह इमोशनली ब्लैकमेल करता रहता है यार। नेक्स्ट टाइम मत करना। अब ये बता कि तेरे पापा को मनाए कैसे? इसका मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। एक चीज हो सकती है। इसका लक्षण का तो मुझे पाने में से ही पता चल गया था। पैदा होते ही इसने मुझे 5,000 रुपये के खाड़े में उतार दिया था। चलो उसमें से 10 तो वसूल हो गया। भगवान भगवान। हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। हाँ अंकल, इसको मैंने कितनी बार समझाया कि घर का इतना बड़ा केटरिंग का बिजनेस है, उसे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? यही बात नहीं है, वांद्रा को समझाते समझाते थक गया, मेरी बात मानता ही नहीं है। डोंट वरी अंकल, अब ज्वाइन करेगा। वैसे आपका अगला कॉन्ट्रैक्ट कहाँ का आएगा? कल खंडाला में। तो ठीक है, हम तीनों आपके साथ चलेंगे। रेखर? हाँ पापा, एक्चुअली ना मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं आपके केटरिंग के धंधे में हाथ बटाऊंगा कल से। सच्चे? अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे 2 चाटे खाने से तेरे में इतनी अक्ल आ जाएगी, पहले मैं 4 मार देता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाह बेटे वाह, ये ले 5 रुपये की मिठाई गरीबों में बांट देना। हो अंकल, 5 रुपये में मिठाई नहीं आती। तो पेपरमिंट बांट देना, वो भी नहीं आती है वापस। ठीक है ठीक है, चल पैडी चल। अरे सुनो, एक मिनट इधर आओ, इधर आओ। ये पेड़ी मेरे साथ आ रहा है वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों क्यों आ रहे हो? अंकल वो क्या है ना, पेड़ी अभी नया नया बिजनेस में है, कभी भी उसका मूड चेंज हो सकता है, कोई नजर रखने वाला चाहिए ना उस पे। और हम तीनों आपकी मदद ही तो करेंगे ना। फिर तो मेरा 3 आदमी का खर्चा बच जाएगा। मैं अभी फोन करके 3 आदमी को कैंसिल करवा देता हूँ। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो हो, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें।